हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ मसाला ऑमलेट। मसाला ऑमलेट बनाने के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको हल्का सा प्योरी कर लिया है, और 1 बड़ा प्याज था, 3 हरी मिर्चें, 3 लहसुन की कलियाँ, इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, और 2 अंडे हैं, इनको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो मसाला ऑमलेट एक डिफरेंट रेसिपी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक पैन में बटर या तेल आप गर्म करें और उसमें फेंटे हुए अंडे डाल देंगे। इसे एक ही बार में डालें और इसे हमें हल्का सा ऐसे करना कि जैसे कि तला गया है, तो जैसे ही फूल जाएगा इसे पलट के साइड में निकाल के रखेंगे। तो देखिए इसका एक सेक्शन रेडी है, उसकी वजह से दूसरा फिर से ये साइड में करके जो एक्स्ट्रा होगा वो अपने आप आ जाएगा। बस इसे इतना ही करेंगे और साइड में निकाल के रख लें। तो देखिए दोस्तों, एग को मैंने कुछ इस तरह से हल्का सा तल लिया है, इसमें जस्ट 5 to 10 सेकेंड्स लगेंगे और बहुत क्विकली ये रेडी हो जाएगा। तो जो बाकी बचा हुआ तेल है, अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है तो उसमें से निकाल लें, और तो बिल्कुल थोड़ा सा तेल रखें और इसमें हम डालेंगे तो प्याज, मिर्च और लहसुन। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो इसमें हम डालेंगे टमाटर प्योरे किए हुए। तो दोस्तों प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है, अब इसमें डालते हैं टमाटर। टमाटर के साथ इसमें हम मसाले डाल के जैसे से भून लेंगे करीब 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर। मसालों में हल्दी ऑप्शन है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। गरम मसाला स्वाद के अनुसार, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो देखिए दोस्तों, मसाला परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो जो हमने एग्स पर फ्राई करके रखा था उसमें छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, इसको मसाले में मिक्स करें। 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। साथ में डालेंगे करीब 1 चम्मच नींबू का रस, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से मिक्स करें। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये नई रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।